सर आपको कैसा लग रहा है अभी G20 का प्रेसिडेंसी भारत को मिला हुआ है और अभी जो बच्चे हैं, अभी का जनरेशन के जो बच्चे हैं वो अभी रिसर्च में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं और जॉब के लिए निकल जाते हैं। आपको क्या लगता है G20 कितना पॉजिटिव होगा, कितना लाभदायक होगा ये बच्चों के लिए रिसर्च क्षेत्र में? मेरा ओपिनियन है कि ये बहुत बड़ा मौका है जो G20 का प्रेसिडेंटशिप जो है हिंदुस्तान को मिला है, वो बहुत बड़ा मौका है। वो इसलिए कि बहुत सारे वेरियस सेक्टर्स में ये G20 कंट्री के लोग, एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज इन इंडस्ट्री, स्पेशली R&D में बहुत सारे लोग आएंगे जो इंटरेक्शन मीटिंग्स के लिए। तो उसमें से हमें ये होगा कि हिंदुस्तान का जो R&D सेक्टर में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए और टेक्नोलॉजिकली मोर वायबल क्या क्या होता है और एडवांटेजेस क्या क्या होता है, वो रिसर्च थोड़ा और फोकस करने के लिए बहुत काम आएगा ये। इसमें ये भी है, एजुकेशन सेक्टर में भी वही है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आएंगे और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का और बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो भी आएंगे। सो हमारे जो देश में जो यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, एजुकेशन का लेवल इंटरनेशनली टू ब्रिंग इट अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इट विल बी वेरी यूजफुल। निहत भावे कमलाकांत प्रतिक्रिया शुणुले आज जन प्रफेसर सामल आम सहित जोड़ी होती। सर जो कथा आम आलोचना करते प्रफेसर शेखर कहते आपको आपणकर विजन केमती आप देखती G20 जो रिसर्च कथा आसे आपक समय अभिज्ञ आप अच्छी अभिज्ञता तो कमी देखती जो भारत प्रेसीडेन्सी बर्तमान G20 रही बर्तमान पे G20 प्रति G20 कौन जानापाय इच्छा प्रकाश कर रिसर्च क्षेत्र में आज कमी देखती? G20 रे आपण देखिबे G20 रे जो थीम अच्छी सेटा एक्चुअली गोटे मेसिव इम्पैक्ट पकाउची आम स्टूडेंट्स उपरे, जनरल पब्लिक उपरे, जनरल पब्लिक अल्सो एयर होउचंती G20 कौन। सो साइंस टाकु केमती साइंस टाकु केमती सोसाइटी के निया जाय पारिबो, सो साइंस रिचिंग टू सोसाइटी एंड रिचिंग टू कल्चर, सो एटा उपरे बर्तमान ए G20 रे गोटे बहुत बड़ इम्पैक्ट रहइबो। एंड एटाकु जेहेतु वर्तमान बहुत वेरे ग्रांड वेरे आमे एटाकु सबु इंस्टिट्यूट, एजुकेशनल इंस्टिट्यूट हो, रिसर्च इंस्टिट्यूट हो, आमे आकु सेलिब्रेट करुछंती, तेणु इर जो मेसेज साइंस आउ टेक्नोलॉजी किंबा रिसर्च जो मेसेज आमे वर्तमान सेटाकु समस्तिंग पाखकु नै जाय पडतोंत। कारण आपण जानिथिबे जे वर्तमान इंडिया गोटे माने इंडियार गोटे पोटेनशियल अछि गोटे साइंस रे गोटे पावर हाउस हवा पाइ, कारण आम बर्तमान आप देखिए आम बर्तमान बहुत सेक्टर रे आम बर्तमान वर्ल्ड रे तेणु आप स्पेस टेक्नोलॉजी रे आम पांचटा जो बृहत शक्तिशाली अच्छा पावर हाउस इन द वर्ल्ड आम ता भितर रोचा जो एक IT सेक्टर देखु आपत देखु मेडिकल लाइन में देखु बिकज मैंने आम अच्छी डायरेक्ट प्रूफ अच्छी आम इंडिजेनियस कोविड वैक्सीन करें तेणु ये सब एक्चुअली वी आर हेडिंग आमने आमे वेरी स्टेडी रेट रे आमे ग्रोथ करचोंदी साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू रीच एट द लेवल ऑफ जो मैंने कहते वर्ल्ड पावर हाउस अच्छा जे USA तेणु आम बर्तमान से तेणु G20 माध्यम रे एटा आउरी गोटे वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर सृष्टि करुछी।